सीजन किसे कहते हैं? सीजन कहते हैं मौसम को, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी हमें बहुत ठंड लगती है ना, कभी कभी हम बाहर नहीं जा पाते क्योंकि बारिश होती है, कभी हम बहुत ज्यादा कूलर्स एसी इनका यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं क्योंकि हमें गर्मी लगती है। वेरी हॉट सन जब आता है बहुत गर्मी लगती है ना, तो दीज डेज आर वेरी हॉट, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सभी जो चेंज होता है हमारा क्लाइमेट, हम उसे कहते हैं सीजन, है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स, ओके। अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं जिसमें हमें अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं। हमेशा एक जैसा नहीं होता ना कि हमेशा बारिश ही आती रहती है, नहीं ना, कभी हमेशा बारिश नहीं होती। कभी क्या ऐसे होता है कि हमेशा ठंडी लगती है, हम हमेशा स्वेटर पहन के घूमते हैं, we always using hand gloves, cap, woolen cap, नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। हम कब जब विंटर सीजन होता है तभी हम इनको यूज करते हैं जब हमें बहुत ठंडी लगती है। एंड वेन जब वेरी हॉट, जब बहुत गर्मी लगती है, हॉट होता है, जब सन बहुत शाइन करता है, तब हम क्या करते हैं, वी यूज सन ग्लासेस, है ना, हम सन ग्लासेस पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सीजन्स होते हैं। वैसे ही जब आप ट्रीज को देखते हैं तो कभी कभी ट्री बिल्कुल खाली हो जाता है, जबकि यहाँ आपके आसपास के ट्रीज होंगे तो आपने देखा होगा, जैसे पीपल ट्री है, नीम ट्री है, ये कभी कभी बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उनके ऊपर एक भी पत्ते नहीं दिखाई देती। और कभी तो बहुत सारा उनपे बहुत सारी ग्रीन ग्रीन लीव्स आ जाती है, रेड रेड लीव्स छोटी छोटी सी आती है ना। तो ये बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स होते हैं जिन्हें आज हम लर्न करेंगे, ओके। सो सी हियर टुडेस टॉपिक इज सीजन। First you take out your Purple Turtle book, okay, take out your EVS Purple Turtle book. All of you ready? Take out your EVS Purple Turtle book, okay. Now open the page number 25, open the page number 25. Here season spring, page number 25, open it, yes. तो हम पेज नंबर 25 पर हमारा फर्स्ट सीजन है स्प्रिंग सीजन। विच सीजन? स्प्रिंग सीजन। हम पहले स्प्रिंग सीजन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम पहले स्प्रिंग सीजन के बारे में। नाउ यू सी हियर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्प्रिंग सीजन जब नई नई लीव्स आती हैं पत्तों पर, नए नए फ्लावर्स आते हैं पेड़ों पर, जब नई नई लीव्स आती है ना, नई नई पत्तियां आती है, तो उस सीजन को हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। उस सीजन को हम कौन सा सीजन कहते हैं? स्प्रिंग सीजन। नाउ सी हियर, स्प्रिंग सीजन व्हेन न्यू लीव्स ग्रो एंड फ्लावर्स, है ना। स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स आती हैं और सारी तरफ ग्रीनरी होती है ना, और न्यू फ्लावर्स आते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स आते हैं। और जो सारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन ग्रीन होती हैं, कुछ कुछ लीव्स न्यू आती हैं तो वो रेड रेड दिखाई देती है ना। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है बच्चों, स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स एंड ग्रोथ फ्लावर्स, है ना, न्यू लीव्स आती है और फ्लावर्स आते हैं। Once again I repeat my, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में न्यू लीव्स ग्रो होती है और न्यू फ्लावर्स ग्रो होते हैं, है ना। जो पेड़ों में लीव्स नई नई आती है, नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं, उस सीजन को कहते हैं स्प्रिंग सीजन। जब पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं और नए फ्लावर्स आते हैं, उस सीजन को हम कौन सा सीजन कहते हैं? Spring season, okay. Spring season, a season when new leaves grow and flowers blossom, है ना, उन्हें फूल खिलते हैं, उन्हें उस सीजन को हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। Purple and Pinky are happy playing outside. देखिए यहाँ पर बटरफ्लाईज आती हैं बहुत सारी स्प्रिंग सीजन में, और ये पर्पल और जो उसका फ्रेंड है पिगी, वो देखो कैसे एंजॉय कर रहा है स्प्रिंग सीजन को, ओके। तो वंस अगेन आई रिपीट माय थिंग, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ मेरी बात को, कि हमने क्या स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, सी हियर हियर द स्प्रिंग सीजन है ना। और क्या होता है स्प्रिंग सीजन में, यहाँ ट्री पर देखिए इस तरीके से ट्री पर नई नई क्या आती है, लीव्स आती है। देखिए इस टाइप से ग्रीन ग्रीन लीव्स आती है स्प्रिंग सीजन में। सो दिस इज अ स्प्रिंग सीजन। ओके, स्प्रिंग सीजन में ट्रीज पर न्यू लीव्स ग्रो होती है ना, न्यू लीव्स ग्रो होती है स्प्रिंग सीजन में ट्री पर। और क्या होता है, न्यू न्यू फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स आते हैं न्यू न्यू। तो फ्लावर्स कैसे होते हैं, देखो यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। ऑरेंज कलर फ्लावर है ना, पिंक कलर फ्लावर, देखिए ऐसे ऑरेंज पिंक येलो, ठीक है। इस तरीके से न्यू न्यू फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, ऑरेंज पिंक येलो ब्लू, ब्लू कलर के फ्लावर्स देखे आपने है ना। तो न्यू न्यू फ्लावर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स ब्लूमिंग होते हैं और न्यू लीव्स आती है। तो ये कौन से सीजन में आती है, स्प्रिंग सीजन में। दिस इज स्प्रिंग सीजन, दिस इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स ग्रो एंड फ्लावर्स आर ब्लॉसम है ना, नई लीव्स आती है और फ्लावर आते हैं ढेर सारे। ओके, देन आवर नेक्स्ट, सी हियर व्हाट डज स्प्रिंग लुक लाइक। सी योर बुक, व्हाट डज स्प्रिंग लुक लाइक। जब नई पत्तियां आती है और अच्छे सुंदर सुंदर से फ्लावर आते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है। सी हियर, क्या ऐसा दिखाई देता है, नहीं, क्योंकि यहाँ तो ट्रीज पर लीव्स ही नहीं है। तो क्या ये स्प्रिंग सीजन है, नेवर है ना। देन सी हियर, यहाँ ग्रीन ग्रीन लीव्स तो है लेकिन क्या फ्लावर्स हैं, नो नेवर, यहाँ तो फ्लावर्स ही नहीं है। और यहाँ तो रेन आ रही है, देखो बारिश आ रही है यहाँ पर। तो क्या ये स्प्रिंग सीजन है, नो, ये भी स्प्रिंग सीजन नहीं है, ये भी नहीं है स्प्रिंग सीजन और ये भी नहीं है। नेक्स्ट, सी हियर, वाओ, सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है ना, यहाँ फ्लावर्स हैं, न्यू लीव्स आई हैं, वो कितने सुंदर लग रहे हैं फ्लावर्स। तो स्प्रिंग सीजन, विच सीजन इज दिस, दिस इज अ स्प्रिंग सीजन। व्हाट डज स्प्रिंग सीजन लुक लाइक, दिस टाइप। ओके, स्प्रिंग सीजन लुक लाइक दिस टाइप है ना। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर के जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर इसे कलर करना है। ओके, सी हियर लाइक दिस। ऐसे ऐसे आपको स्प्रिंग सीजन लुक लाइक दिस। ओके, स्प्रिंग सीजन लुक लाइक दिस टाइप। देन आवर नेक्स्ट सीजन इज अ समर सीजन। यस, समर सीजन। समर सीजन इज वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट है ना। समर सीजन इज वेरी वेरी हॉट। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर सीजन में, कॉटन क्लॉथ्स। वी वेयर फ्रॉक, गर्ल्स क्या पहनती हैं, फ्रॉक, एंड बॉयज वेयर लोअर एंड टी शर्ट्स। ओके, ओके, वंस अगेन, वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, वी वेयर फ्रॉक्स एंड लोअर्स, बिकॉज समर सीजन इज वेरी वेरी हॉट, सनशाइन वेरी वेरी हॉट। देखिए यहाँ पर समर सीजन, सी हियर समर सीजन। हॉट होता है और जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वेरी वेरी हॉट वी वियर कॉटन क्लॉथ्स। हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ। वी लाइक टू ईट कोल्ड थिंग्स, है ना, हमको क्या अच्छा लगता है जब खाना ठंडी ठंडी चीजें खाना चाहता है ना। वी लाइक टू ईट कोल्ड थिंग्स लाइक आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, हमको उस समय ठंडी ठंडी चीजें खाना अच्छा लगता है समर सीजन में। वी लाइक टू ईट कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, वी लाइक टू ईट कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, है ना, हम आइसक्रीम भी खाते हैं समर सीजन में, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। See here, we like to eat ice cream, we like to drink cold drinks, cold drinks, है ना, हम cold drinks पीते हैं, ice cream खाते हैं क्योंकि ये ठंडे ठंडे होते हैं और उस टाइम पे हमें बहुत गर्मी लगती है। एंड वी वियर फ्रॉक, लोअर, है ना, हाफ पैंट, वी वियर हाफ पैंट। कैसी पैंट पहनते हैं हम? हाफ पैंट पहनते हैं ना समर सीजन में, देखो ऐसे हाफ पैंट पहनते हैं। और गर्ल्स क्या पहनती हैं? फ्रॉक। Hot. We use fans, cooler and air conditioner, है ना, हम क्या यूज करते हैं? फैंस यूज करते हैं क्योंकि इतनी गर्मी लगती है तो हम फैन यूज करते हैं, कूलर्स का यूज करते हैं, एसी एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। तो ठीक है, हम कब यूज करते हैं ये सारी चीजें? ए समर सीजन। इन समर सीजन वी ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, वी ईट आइसक्रीम, वी ड्रिंक juice, cold drinks, and we wear cotton clothes, we wear lower t-shirt, and we wear frock, okay, and we use AC, cooler, and fans, okay. In summer season, children like to play in swimming pool, है ना। अगर आप स्कूल आए होते और जो समर डेज में हम स्विमिंग पूल में ढेर सारे एंजॉय करते हैं। इन समर सीजन चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन स्विमिंग पूल। यस, स्विमिंग पूल में बहुत मजा आता है बच्चों को, पानी में खेलते हो ना आप। हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, जैसे क्रीसेंट वगैरह आप लोग घूमने जाते हैं ना। हम कब जाते हैं यहाँ स्विमिंग करने? समर डेज में, है ना। तो सी हियर, नाउ दिस turn the purple turtle book, turn your page number 26. Yes, now this is the summer season. Summer season is a very warm and bright season. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि समर सीजन कैसे होता है, बहुत गर्म होता है, warm means गर्म होता है, और bright मतलब सन बहुत तेज होता है, इतनी तेज धूप होती है। Purple is playing the beach on a summer days. देखो Purple कहाँ गया है? बीच पर गया है। मैंने अभी कहा था ना बच्चों को स्विमिंग करने में बहुत एंजॉय, बहुत मजा आता है, तो Purple भी बीच पर गया है इन समर डेज। अब देखिए ये क्वेश्चन आया है ना, आप क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट ड्रिंक इन समर सीजन? आपको समर सीजन में क्या पीना पसंद है? आपको समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स, जूस पीना पसंद है। और यहाँ पर एक पिक्चर बना है सूप का, और एक और पिक्चर बना है यहाँ पर, ये वेट, हियर फर्स्ट पिक्चर है कोल्ड ड्रिंक का, देन सेकंड पिक्चर इज आइसक्रीम, देन थर्ड वन इज हॉट सूप। तो समर सीजन में हमें क्या पसंद होता है? समर सीजन में वी लाइक टू ईट कोल्ड थिंग्स, है ना। समर सीजन वी लाइक टू ईट एंड ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, तो ठंडी ठंडी चीजें हम पसंद What do you like to drink in summer season? Eat and drink in summer season. आपको summer season में क्या खाना और पीना पसंद है? ठीक है, तो यहाँ है फर्स्ट है कोल्ड ड्रिंक, देन सेकेंड है आइसक्रीम और थर्ड वन इज ए हॉट सूप. तो हम ठंडी ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, ठंडी ठंडी चीजें पीना पसंद करते हैं. तो विकल्प कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम. तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कलर करना है कोल्ड ड्रिंक पर और आइसक्रीम पर. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द थिंग्स वी कैन एंजॉय ड्यूरिंग समर सीजन. आप समर सीजन में किसको एंजॉय करते हो? देखो यहाँ वूलन के बच्चा वूलन कैप पहन के स्वेटर पहन करके और जा रहा है बर्फ में. तो क्या बर्फ होती है समर सीजन में? नो, नेवर, है ना. और स्नोमैन बनता है क्या समर सीजन में? नो, नेवर. देन वी एंजॉय स्विमिंग. यस, वी एंजॉय स्विमिंग इन समर सीजन. सो टिक द स्विमिंग. स्विमिंग जहां पे बच्चा स्विमिंग कर रहा है वहां आपको क्या करना है, टिक करना है. ओके, so complete this page. I hope you understand summer season. I hope you learn about summer season. The next season is autumn season. Okay, see here, turn your book, page number 27. Very good. Autumn season is a cool season. ये ठंडा होता है. Leaves of some trees change color. है ना, जो ट्रीज की लीव्स होती है वो कैसी होती है? या स्प्रिंग सीजन में वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन जब ऑटम सीजन आता है तो कौन से कलर की हो जाती है? वो अपना कलर चेंज कर देती है, है ना. जो लीव्स होती हैं वो अपना कलर चेंज कर देती हैं और वो ब्राउन शेड में हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ हम ऑटम सीजन. ठीक है, ऑटम सीजन में ये जो ट्री है इसकी लीव्स है वो अपना कलर चेंज कर देती है और ये देखिए इसका कलर कुछ ऐसे हो जाता है. ठीक है, ये लीव्स का कलर कुछ इस तरीके से हो जाता है ना. और इस टाइप से, तो ये कौन से सीजन में होता है? किस सीजन में ट्रीज लीव्स अपना कलर चेंज करती है? ऑटम सीजन में ना. ठीक है, see here, autumn season is a cool season. Leaves of some trees change color as they dry and begin to fall. क्या हो जाती है? वो सूख जाती है. इसका कलर कब हो जाता है लीव्स का? जब वो सूख जाती है, है ना, और वो गिर जाती है नीचे इस तरीके से. ठीक है, ऐसे नीचे गिर जाती है वो पेड़ से क्योंकि वो सूख जाती है, तो वो नीचे गिर जाती है. ठीक है, ऐसे. Like this. Okay. We also call the season of fall. है ना, हम इसे क्या कह सकते हैं? Fall season, मतलब पत्तियों के झड़ने का सीजन. इसे हिंदी में कहते हैं पतझड़ का सीजन, क्योंकि इसमें क्या होती है, लीव्स, ट्रीज से सारी लीव्स गिर जाती हैं, है ना, अपना कलर चेंज हो जाता है. So see here, our exercise is take the leaves that we see in autumn, है ना? हम कैसे leaves देखते हैं? Autumn season में क्या green green leaves देखते हैं? No, we see these type of leaves क्योंकि वो सूख जाती हैं summer days के कारण. So here we take these leaves, okay? Take these leaves, okay? Very good. I hope kids you understood about spring season, summer season and autumn season. Thank you so much kids. Do practice at your home. These work do in your EVS notebook. आपको EVS notebook में से इस तरीके से explain करना है और ऊपर सारे season के names लिखने हैं. These work जो हमने यहाँ exercise किया है